पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यूनाइटेड इंडिया रैली में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा। इस विपक्षी रैली में 22 दलों के नेता मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं ने बारी बारी से मोदी सरकार की खामियां गिराई। विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीरें करीब 8 महीने पहले बेंगलुरु में नजर आई थी। बेंगलुरु में जहां कांग्रेस के बुलावे पर सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई थी, वहीं आज ममता ने यूनाइटेड इंडिया रैली का मंच सजाया। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक ममता का मोर्चा है और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हम आपको आज ही की दिखा रहे हैं। हम कर्नाटक की बात नहीं कर रहे बल्कि हम सिलवासा की बात कर रहे हैं। देखिए टैंक में चल रहे हैं मोदी। गुजरात में उन्होंने आज ये तोहफा दिया और टैंक होविट्जर की सवारी की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कई सारी तोपें, 22 दलों की तोपें एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ मोड़ दी और उन पर एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर हमला किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महागठबंधन पर हमला किया और इस गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोलकाता में ये रैली हुई विपक्षी एकता का प्रदर्शन करते हुए। 22 दलों के नेता इसमें मौजूद थे, लेकिन जो प्रमुख लोग नहीं पहुंचे उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव जो कि फेडरल फ्रंट बनाना चाहते हैं, और जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं। ये चार प्रमुख लोग नहीं पहुंचे थे और इनके नहीं पहुंचने को लेकर अटकलों का दौर ये चलता रहा कि क्या ये विपक्षी एकता अधूरी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। वो सिलवासा में थे, वहां पर उन्होंने रैली की और साथ ही साथ होविट्जर टैंक की सवारी भी की। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने उसके तीन नेता, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि ऐसे में संसद में एक सांसद कम हो जाएगा। आइए सुनते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने आज की रैली में क्या कहा। ये तीन सवाल पे आप गौर करें, तीन सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप ठेतराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तब तक आप सुनते जाएंगे। इसलिए आइए उठिए, हम जानते हैं ये इलेक्शन की घड़ी है, इलेक्शन की घड़ी है। अब फिर नए नए वादे शुरू हो रहे हैं, नई नई बातें शुरू हो रही हैं, प्रॉमिसेस बहुत हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं। प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस के बीच में गहरी खाई हो गई है और उससे अब सुनते जाइए सिट अप इंडिया, सिटिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, धन क्या, जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना एक तरफ, सिलेंडर का दाम बढ़ गया दूसरी तरफ, करते जाइए आप सारी बातें। अभी मेड इन इंडिया बहुत सुन रहा, अभी तक तो मेड इन इंडिया के लिए क्या किया आपने, और जब तक अच्छा नहीं करेंगे आप, तब तक मेड इन इंडिया का मतलब होगा मेड इन चाइना। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बागी तेवर दिखाए। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा अकेले वहां मौजूद नहीं थे, बड़े ही तीखे हमले बोले अरुण शौरी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही साथ यशवंत सिन्हा जिनके पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार था और वित्त मंत्रालय का है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरुण शौरी ने मंच से हमला बोला मोदी सरकार पे, यशवंत सिन्हा ने मंच से हमला बोला मोदी सरकार पे, और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हमला बोला मोदी सरकार पर मंच से। शत्रुघ्न सिन्हा ने किस अंदाज में हमला बोला ये आपने सुना। अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने भी बेहद तीखे शब्दों में मोदी सरकार की आलोचना की है। ये सब सुनकर बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा, आइए ये सुन लेते हैं। उनको पता है कि अगर वहां विरोध करेंगे तो उनकी सदस्यता आपरूपी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं
बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन एक भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता की इस महारैली में उपस्थित थे। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण में मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। जिस देश की महिलाएं दुखी हैं, बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शर्म आती है कहते हुए मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता है जो लोग हमारे देश की महिलाओं को गालियां देते हैं। आज इस देश के दलित दुखी हैं, पूरे देश के दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। आज इस देश के मुसलमान दुखी हैं, जिनके ऊपर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश के संविधान के लिए आपने जो यह जैन सैलाब बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जैन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। ये आवाज ऐसी आ रही है जैसे किसी समंदर में लहर आ रही हो। मैं ये कहूंगा कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, आप सब लोगों को तो हाथ ऊपर करके इतनी ताकत से बोलना है कि हम लड़ेंगे चोरों से। ममता बनर्जी की इस यूनाइटेड इंडिया रैली के क्या मायने हैं? क्या पूरा विपक्ष एकजुट है? राहुल गांधी और मायावती के न आने का क्या संदर्भ निकाला जाए? केसीआर और जगनमोहन रेड्डी इस रैली में क्यों नहीं आए और क्या आगे इस महागठबंधन के साथ होंगे? क्या एक साझा प्रयास करेंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ रूपा गांगुली जी हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही साथ पवन खेड़ा है जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले रूपा जी, आपको नहीं लगता कि 22 दलों के साथ आने के बावजूद और परेड ब्रिगेड ग्राउंड में इस रैली के बाद एक बार बहुत ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है आपके लिए तृणमूल कांग्रेस ने और ये जता दिया है कि हम इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, क्या आने वाले समय में आप जब रैली करेंगे तो क्या आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे? आपके लिए रैली भीड़ इकट्ठी करना एक किस्म का राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी के लिए सिर्फ देश का काम करते जाना वही राजनीति है, जिसका असल नाम है राजधर्म।
ये सबको समझ में नहीं आएगा। रैली कहां से, कितने भीड़, और जहां सरकार में है, पश्चिम बंगाल सरकार में है, वहां ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आज थोड़ा सा बाहर में पूरे देश में प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों से भी लोग मंगवाए हैं, कोई बात नहीं, ये उनका राजनीतिक टैक्टिक्स है, करने दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि ये उनकी राजनीतिक प्रैक्टिस है, करने दिया जाए, लेकिन उनके करने पर पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी ने पानी फेर दिया, राहुल जी तो गए नहीं, तो विपक्षी एकता तो तार तार हो गई आज पहले ही मौके पर। नहीं, हमारे नेता गए, हमारे पास कोई पवन के साथ हमारा संपर्क कट गया है, एक बार फिर से रूपा जी के पास चलते हैं। रूपा जी, पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कर्मभूमि बनाया है, ये उम्मीद की जा रही है कि 2019 के चुनाव में आप जैसे नेताओं की मेहनत से, बाकी कैलाश विजयवर्गीय जी की मेहनत से, आप लोग वहां पर कई सारी सीटें, 42 में कम से कम आधी सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। क्या आज की ममता बनर्जी की इस प्रदर्शन के बाद आपको लगता है कि उस रास्ते में आगे बढ़ने में आपको मुश्किल होगी या आपको आसानी होगी? देखिए, यह सच है कि ममता बनर्जी जी इसमें कामयाब हुई, सिर्फ इसी में कामयाब हुई कि बहुत लोगों को जुड़ा के वो एक साथ सुना सकी अपनी बातें, और देश भर के नेता आए बोल के वो नेशनल टीवी पे भी लाइव बहुत देर तक गई है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये क्या आपको दिखा कि कुछ ही लोग जो है वो हर बात में हाथ उठा रहे थे, बाकी ऐसे हिल रहे थे? आपको समझना पड़ेगा पश्चिम बंगाल का इसी तरह से इतिहास रहा, क्योंकि जब सीपीएम इतने सालों से पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत परेशान करके रखे थे, तो सीपीएम को लास्ट रैली भी ऐसा ही दिखा। ये ममता बनर्जी खुद को पता है उनको, कि विरोधी नेत्री जब थी ना, उनको ऐसी हालत होती थी, ऐसे हरकत करते थे, और सीपीएम को भी भनक तक नहीं पड़ी, कहां पैर के तले से जमीन हड़प गया था, निकल चुका था। अब ममता बनर्जी जी ये देखा है खुद, विरोधी नेत्री के हिसाब से वो तो ठीक ठाक है मोर ऑर लेस, तो उनको ये पता है कि किस तरह से उनके पैरों के तले अभी जमीन जाने वाली है, इसीलिए वो बाहर के सारे लोगों को इकट्ठा करके भावता देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सारे लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन पवन जी मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं, क्या कारण था कि राहुल गांधी इस रैली में क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने अपने दूत मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अभिषेक मनु संघवी को भेज दिया? इसका मतलब है कांग्रेस जो है एक महागठबंधन बने, इसको लेकर सीरियस नहीं है मोदी के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी ने अपने बहुत वरिष्ठ नेताओं को भेजा है, जरूरी नहीं राहुल जी जाएं या न जाएं तो उसका कोई अर्थ निकालना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। महागठबंधन कहिए आपको इसका, नहीं नहीं आप निकालिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं, राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा सा पत्र लिखा, आपने भी देखा वो पत्र, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी को वहां भेजा। हम पूरी तरह से इस मंच से जिस जिस नेता ने जो जो बात कही है उस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। इस देश को आवश्यकता है, इस देश को बचाने के लिए आवश्यकता आन पड़ी है। हमारे पर प्रेशर कहां से है दीपक जी? हमारे पर प्रेशर है जनता का, वोटर का। वोटर अपने नेताओं को मजबूर कर, आप इस तरह की सरकार से हमें निजात दिलाइए, आपको एक होना है, एक होइए, एक मंच पर आना है, आइए एक सुर में बात करनी करिए, लेकिन हमें इस सरकार से इसको तिलांजलि देनी है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। ये वोटर का दबाव होता है हम पर, और वोटर का दबाव जो जो पार्टी समझ लेती है वो अपने आप एक ही सुर में बात करती है। और सुर क्या है? ये सुर इस देश का सुर है, हम देश के वोटर की आवाज के विचार को आवाज दे रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए, और अगर राजनीति देख रहे हैं आप तो बिल्कुल ठीक है, हमारी राजनीति का ध्येय यही है कि अगर इस देश को बचाना है तो इस सरकार को हटाना है। आप अभी रूपा जी कह रही थी कि मोदी जी देश का काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा रूपा जी, मोदी जी देश का काम तमाम कर रहे हैं। आज इसीलिए सब दल 22-23 दल इकट्ठे होकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें देश की चिंता है। आपको सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता होगी, आपका नारा है कुर्सी बचाओ, हमारा नारा है देश बचाओ। रूपा जी साफ साफ कहा है देश का काम तमाम कर रहे हैं मोदी जी, क्या आपको ऐसा लगता है? पवन ने एक बड़ा पॉलिटिकल साउंड स्टेटमेंट दिया है यहां पर।
ममता जी ने भी आज बड़ा पॉलिटिकली साउंड स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने किसी को नहीं बख्शा, मोदी जी ने किसी को नहीं बख्शा, लालू जी को भी नहीं बख्शा। तो आप मुझे बता दो, लालू जी को बख्श देना चाहिए था, है ना? करोड़ों के घोटाले वालों को बख्श देना चाहिए था, ममता जी को भी नहीं बख्शा। तो आप बता दो कि कैसा राजनीति करे देश 70 साल में, अगर इतनी हिम्मत कोई पॉलिटिकल पार्टी जुटा नहीं पाए कि जो गलत है उसको सीधा गलत कर दो। जो केसेस हैं सिख की, जो हत्या हुई थी, इतने सालों से कोई समाधान हुआ था? केसेस चल नहीं रहे थे। लिंचिंग बोल के ममता जी एक शब्द उच्चारण की थी, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा महिला निर्यातन होती है वही मुख्यमंत्री लिंचिंग की बात कर रही है, जिनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करने के लिए लटका के मारा जाता है वो बात करे लिंचिंग की। और जब लिंचिंग के बारे में एक सही पदक्षेप लेने के लिए मोदी जी ने या चाइल्ड रेप या लिंचिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बिल पास करवाया हम लोगों ने, कितने तकलीफ झेलने पड़े राज्यसभा, लोक राज्यसभा में आपको पता है, और झेल चुके हैं और हम जीत चुके हैं, वो बिल पास कर चुके हैं। तो कितने सारे अनपेंडिंग बिल्स थे ये 70 साल में, तो उसका कौन कौन हिसाब रखता है? आप मुझे ये, मैं आप मुझे ये बता जरूर सकते हैं कि साधारण लोग क्या जाने, साधारण लोग बिल्स के बारे में क्या जाने? सच है, अभी यहां पे इस पश्चिम बंगाल में जो रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, उनका केस ठीक से हो नहीं रहा है क्योंकि केस लिखते नहीं है पश्चिम बंगाल पुलिस मंत्री जो ना ममता बनर्जी, उनके लोग लिखते नहीं है। सही बात है, बहुत सारे लोगों के पास ये खबर नहीं पहुंचेंगी, ताकि खबर पहुंच ना पाए इसलिए हमारे हमारे कोई सभा करने नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है लोगों को समझ में नहीं आता? एक आदमी के पाप पीछे अगर ऐसे लोग पूरे देश भर में जुड़ गए जो हर एक के नाम से करोड़ों का घोटाला है, तो साधारण लोगों को समझ में कोई तकलीफ नहीं होती कि क्यों उस आदमी के पीछे सारे लोग लग गए। यही सवाल लेके मैं पवन के पास जाता हूँ। पवन, ये महागठबंधन नहीं, ये भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। रूपा जी का सीधा सीधा चार्ज, और ममता जी ने कहा कि देखिए तेजस्वी को नहीं बख्शा, देखिए लालू यादव को नहीं बख्शा, देखिए मुझे भी नहीं बख्श रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? और अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात की जाए, मिसेस गांधी की बात की जाए, तो वो दोनों जमानत पे हैं, जैसा कि बीजेपी अभी तक कहती रही है। तो क्या ये महाभ्रष्ट गठबंधन बन रहा है 2019 के चुनाव के लिए? दीपक जी, आप मेरे खिलाफ कोई केस कर दें कोर्ट में, पुलिस में एफआईआर करें, और मैं स्टे भी नहीं लाऊं, मैं बेल भी नहीं लूं, ये कौन सा कानून है? और अगर मैं बेल ले लूं तो आप कहते हैं अरे अरे ये तो भ्रष्ट है, बेल पर है। अरे आपने मेरे खिलाफ केस किया, मैं बेल लेकर आया, मेरा अधिकार है, आपका केस झूठा है, मैं साबित करूंगा। किसने किया था ये नेशनल हेरल्ड वाला केस? उस आदमी ने किया जिसको फिर पुरस्कृत करके सांसद बनाया। हां, वो मंत्री नहीं बन पाए डॉक्टर स्वामी, सांसद तो बनाया उन्हें, उपकृत किया उनको। तो ये कह देना कि आप भ्रष्ट हैं, ये तो गैरकानूनी बात ही गैरकानूनी है। मैं आप पर केस कर दूं और आपको भ्रष्ट करार कर दूं, कन्विक्शन हुआ है? कन्विक्शन तो नहीं हुआ। तो ऐसी बातें शोभा नहीं देता इनको बोलना। आप मुझे बताइए दीपक जी, और रूपा जी यहां बैठी हैं, बड़ी जिम्मेदार नेत्री हैं, इनसे पूछ के बताइए, यहीं आज दीपक चौरसिया के शो पर रूपा गांगुली ये घोषणा करें कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, हिम्मत है? अरे कौन से राज्यों में आप अकेला लड़ते हैं बताइए? जिन जिन राज्यों में आप अकेला चुनाव लड़ते हैं, हम भी वहां अकेले चुनाव लड़ते हैं। आप करें तो गठबंधन, हम करें तो ठगबंधन। अरे भाई, ये कहां के नियम है? आपका मतलब क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ठगबंधन चला रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? मुरारजी देसाई ठगबंधन चला रहे थे, और आपके एनडीए में 40-40 सदस्य हैं, क्या ये ठगबंधन है? आप करें तो कुछ और हमारे लिए नियम कुछ और। माफ कीजिएगा, ये देश को आप मूर्ख नहीं बना सकते इस तरह की लफादी से। रूपा जी, सीधा सवाल आपसे है, महागठबंधन को ठगबंधन कहा गया है और पवन को आपत्ति इसी शब्द से है। मुझे पता है कि आप ठग का अर्थ जानती हैं, ठग होता है एक कौन मैन, इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। फटाफट लोन चाहिए,
paisabazaar.com। तो हम बात कर रहे हैं रूपा गांगुली जी और पवन खेड़ा जी से। अब आते हैं मुद्दों पर। सबसे पहला मुद्दा, रूपा गांगुली जी, इन चुनाव के लिए आपके सहयोगी आपसे दूर होते जा रहे हैं। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू आपसे अलग हुए, आरएलएसपी अलग हुई, उत्तर प्रदेश की दो छोटी पार्टियां आपसे अलग होने जा रही हैं या अलग होने की धमकी दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि इन लोगों की एकता और आपका एनडीए का बिखरना, ये दोनों आपके लिए खतरे की घंटी है? पहले मैं वो पहली वाली सवाल जो आप ब्रेक से पहले कर रहे थे उसका जवाब दे जी। एक छोटी से सवाल की थे भाई साहब ने कि बीजेपी के साथ जो जो जुड़े हुए हैं वो गठबंधन है कि नहीं है और ये ठगबंधन है कि नहीं है। तो आप बता दें जो एनडीए में जितने सारे सदस्य हैं वो एनडीए में कहला जाते, वो बीजेपी में नहीं कहला जाते ना। तो कांग्रेस के साथ जितने सारे पार्टीज हैं उनको यूपीए कहा जाता है ना। क्या अलग बात है? तो ये इतने, देखिए मैं एकदम नई सी हूं, साधारण से सिंपल लोग, वो यूपीए में कहा जाते हैं, वो कांग्रेस तो नहीं कहे जाते हैं। तो एनडीए में और यूपीए के साथ जब बात होती है तो एनडीए और यूपीए करके बात करना चाहिए। और ममता दी के गठबंधन की जो बात, हाँ पवन जी आपसे पूछ रही है, आपने क्या कह दिया, रूपा जी आपसे पूछ रही है, तो आपका भी तो यूपीए है। अरे तो हम तो कह ही रहे हैं कि यूपीए और कांग्रेस का यूपीए है और बीजेपी का एनडीए है, तो इसमें कंफ्यूजन कहां होगा? ममता जी का क्या है? सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं, ममता जी का क्या है? सिर्फ ये पूछ रहे हैं, यूपीए तो नहीं है, ममता जी का तो दूसरा फ्रंट है। ममता जी का क्या है जिसमें आपने नेता भेजा? ये गठबंधन क्या है? अभी सुन लिया मैंने आपकी बात, वही बता रहा हूं। तमाम राजनीतिक दलों को का ये कर्तव्य है कि वोटर की बात सुनकर एक मंच पर आने की चेष्टा करें। कुछ राज्यों में हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टीज के साथ, जैसा कि हमेशा हुआ है। अब मैं बार बार रूपा जी से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रही, कोई और करे तो गड़बड़ है। अरे आप भी तो बोल दीजिए खुलकर कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में, बीजेपी कोई एनडीए वेनडीए नहीं होगा। कहते हैं ना खिचड़ी, तो आपकी क्या खिचड़ी नहीं है? 40 पार्टियां मिलकर एक एनडीए बना हुआ है, तो आपकी तो खिचड़ी नहीं है, बाकी सबकी खिचड़ी है। आप आज यहां हिम्मत दिखाइए और बोल दीजिए कि पूरे देश में आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को किसी की आवश्यकता नहीं, बोल दीजिए आप, इतनी हिम्मत दिखाइए। और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर किसी और गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। रूपा जी जवाब। हाँ बोलती ये बीजेपी ने कब बोला कि किसी दो पार्टी चार पार्टी एक साथ नहीं होना चाहिए? बीजेपी ने सिर्फ यही बोला है, मोदी तो बीजेपी जब एनडीए चलाते सरकार, बोलते ना कि सब मोदी जी के एनडीए के सरकार चलाते हुए कैसे बोलेंगे कि नहीं आप लोगों को, आप ये अभी जो चाहिए ऐसे ममता जी प्रधानमंत्री क्या बोले, अभी और कंफ्यूज मत करिए। सीधी बात है मैं आपका जवाब पहले दे दूं, प्रधानमंत्री का जवाब प्रधानमंत्री जी दे देंगे, आप उनको पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब पहले दे देती हूं। आप सीधी बात ये कर लीजिए, इतनी हिम्मत का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक के साथ एक जुड़ता है, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी एक के साथ एक जुड़ते हैं, जहां आप लोगों के यूपीए हैं, हम लोगों के एनडीए हैं, तो आप एक तो एनडीए की बात करती यूपीए की बात करते, तो यहां पर मैं आपको इतना बात बताती हूं कि हमेशा कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ जुड़ते हैं तो उनका एक वजह होती है। ये जो गठबंधन है जिसका नाम कोई महागठबंधन दे रहा है, कोई क्या नेशनल क्या नाम दोला जो ममता जी ने कुछ इंडिया फ्रंट कुछ और है, तो ये अलग है। ममता जी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, ये अलग है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये किस बलबूते पे है, ये लालू जैसे लोगों को लेकर है? हाँ मतलब ये मायावती जी और लालू जी जिनके ऊपर बहुत सारे दीपक मतलब भी हो चुके हैं, मैं राहुल जी के वो केस नहीं बोल रही हूँ जो बेल में है, जो जो प्रूव हो चुके हैं, जो जेल खट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से साबित हो चुके हैं देश के सामने, उन लोगों का गठबंधन है। ठीक है पवन जवाब, पवन जवाब, मेरा एक ही चिंता है। देखिए आपने सुना होगा आज से 3 साल पहले एक व्हाइट पेपर निकाला हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। तो
तब तो वो बड़े भ्रष्ट थे। अरे चिटफंड स्कैम में हिमंता बिस्वा शर्मा, उस स्कैम में फलाने स्कैम में, सब स्कैम्स में हिमंता बिस्वा शर्मा, व्हाइट पेपर निकाल दिया। 20 दिन के अंदर अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज सबसे स्वच्छ छवि के नेता हैं। नारायण राणे एक और उदाहरण देता हूं, तो जब आपके साथ चले गए तो ईमानदार हो गए, आपसे साथ नहीं है तो भ्रष्ट हैं, चोर हैं। अरे साहब, लोगों से तो घबराइए, लोग भी सुन रहे हैं, हंस रहे हैं लोग आप पर, समझ लीजिए ये बात को। आप कहती हैं कि ये गठबंधन क्यों बन रहा है, किसके बूते पे बन रहा है? अरे ये गठबंधन किसके बूते पे, ये संविधान का अधिकार है हमें, और वोटर चाहता है कि गठबंधन बने, वोटर चाहता है कि मोदी जी को हराएं, वोटर चाहता है कि तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी जो मजबूरियां हैं वो त्याग कराएं और इकट्ठे आकर मोदी जी को हराएं। ये हम वोटर के आगे हमारे हम मजबूर हैं। आप लोगों के प्रधानमंत्री सिर्फ 5 उद्योगपतियों के सामने मजबूर हैं। ये फर्क है। मजबूर सरकार और मजबूत सरकार का मैं अंतर आपको बता दूं, सरकार हमेशा वोटर के सामने मजबूर होनी चाहिए। ये मोदी जी की सरकार ऐसी है जो सिर्फ उद्योगपतियों के सामने मजबूर है, बाकी अपनी मजबूती दिखाते हैं। नोटबंदी कर दी, अगर मोदी जी के पास 225 सीटें होती और किसी और पर निर्भर कर रहे होते तो क्या नोटबंदी जैसी बेवकूफाना हरकत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं सरकार ऐसी हो जो वोटर से डरे, जो 56 इंच का सीना वोटर को ना दिखाए। वोटर के सामने थोड़ा सा अहंकार त्याग कर बात करनी चाहिए। ठीक है, रूपा जी से जवाब ले लेते हैं। रूपा जी, लेकिन रूपा जी आपके शासन के अंदर अहंकार दिखता है, ये पवन खेड़ा भी आरोप लगा रहे और एक जनरल परसेप्शन भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी का पर्सनैलिटी है तो उसके ऊपर उनको अहंकार ही दिखता है तो बेचारा झुक के ऐसा नहीं चल सकता। सब लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह ऐसा नहीं चल सकता। ये सिंपल बात है। अगर हम चल, कोई भी सीधा लोग जो जिसका पर्सनैलिटी है अच्छा, वो लंबा है, सीधा चलता है, उसका विश्वास सीधा है, सोच सीधा है, तो सीधा चलता है आदमी, उसका पर्सनैलिटी ऐसा है तो उसका ऐसे झुक के, ही कॉन्ट सडनली बिकम एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एंड यू नो वर्क लाइक हिम। आई एम नॉट डूइंग एनी मॉकरी अबाउट एनीबडी, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अहंकार और कॉन्फिडेंस शब्द को, दोनों को कंफ्यूज करा रहे हो। मैं आपकी सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूंगी, मैं आपको जो भी बोलना है सुन लूंगी। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप देख लीजिएगा ये आज का जो समावेश इन्होंने बनाया, ये ममता जी ने खुद के लिए बहुत जबरदस्त अपनी कब्र खुद खोद चुकी है। ये सबसे ज्यादा बहकाने वाली चीज है जनता को, कि जनता को पता नहीं ममता जी के राज्य में ममता जी लोग बोल रहे हैं कि ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगी, राहुल के लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मायावती का मन में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बनने का शौक है, ऐसे और कई लोग हैं जिनके मन में प्रधानमंत्री बनने का शौक है। मैं ये कहना चाहती हूं, प्री पोल अलायंस तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, और कर्नाटक जैसी मतलब इतने से चिंदी सा सीट लेकर आप राज्य चलाने आए और उनको तकलीफ दे रहे हैं, साधारण लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। अभी यहां पे जो भी लोग समझाएंगे ममता जी को, अगर 4 वोट मिल गया या ज्यादा ही मिल जाएगा, उनका राज्य है, ज्यादा ही मिल जाएगा उनको 4 से ज्यादा, लेकिन जो इनको समझ में समझ के वोट दे रहे हैं उनको लगेगा ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगी, जो हालांकि पॉसिबल नहीं है, जो एक राज्य में चला नहीं सकी 7 साल में एक राज्य नहीं चला सकती, इतना बड़ा जबरदस्त मारामारी, खूनो खूनी, दिन दहाड़े रेप, दिन दहाड़े मर्डर, मैं अकेले इंसान 15 अरेस्ट मैंने अकेले इंसान करवाई 2 साल में, अकेले इंसान, अकेला खुद 15 अरेस्ट मैंने खुद कराई। ठीक है रूपा जी, हमारे सवाल लेकर मैं पवन के पास चलता हूँ। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके इस गठबंधन में? ममता बनेगी, राहुल जी बनेंगे, मायावती बनेंगी, चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, KCR बनेंगे, या फिर कोई और बनेगा? कौन प्रधानमंत्री होगा बताइए। नहीं, KCR तो मोदी जी के साथ हैं, हमारे साथ क्यों आएंगे? लेकिन बात ये नहीं, बात दीपक चौरसिया जी ये है, 2004 में क्या था, किसने बोला था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये प्रश्न तब भी उठा था, आप वरिष्ठ पत्रकार तब भी थे, आज भी हैं, आपका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। 2004 में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता था,
जनता इस तरह के प्रश्नों में नहीं आई। जनता ने कहा एनीबॉडी बट बीजेपी, आज भी वही है, एनीबॉडी बट मोदी। आज फिर से उस स्थिति पर आ गए हैं। रूपा जी कहती हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, रूपा जी देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री मराठी होगा। गडकरी जी की मांग अभी संघ परिवार में आवाज उठनी शुरू हो गई कि गडकरी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये तो आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं, आप तो गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, आपकी पार्टी में मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। मैं नहीं लगा रहा, आपकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, किसानों के मुद्दे, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे, चुनाव व्यक्तियों पर नहीं लड़ा जाता। देश को अटल बिहारी वाजपेयी प्यारा लगता था, अच्छी शख्सियत लगता था, लेकिन मुद्दों पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव हारा। देश को इंदिरा गांधी बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला भी चुनाव हारी। तो चुनाव देश की जनता जब वोट देने जाती है तो वो अपनी नौकरी सोचती है, ठीक है, अपनी फसल सोचती है, वो अपनी सुरक्षा सोचती है, वो नोटबंदी जैसा घिनौना अपराध सोचती है, वो जीएसटी जैसा पाप सोचती है। पवन जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें